तीन महीनों के बाद आयोजित नगर निगम की सामान्य बैठक में जहां घाटे का बजट पेश किया गया, तो वही मीटिंग में आए पार्षदों ने निगम अधिकारियों पर स्ट्रीट वेडिंग पॉलिसी को लेकर करोड़ों के घोटाले के आरोप लगाए हैं। वहीं आरोपों के जवाब में नगर निगम के अधिकारी को उस वक्त भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब मीटिंग में आए पार्षद अधिकारी की किसी सफाई को सुनने को तैयार नहीं थे। बहरहाल नगर निगम कमिश्नर ने सदन की बैठक में निगम अधिकारी को फटकार लगाते हुए सदन की मीटिंग से बाहर तक जाने को कह दिया। वहीं निगम पार्षद आरएस राठी ने मेयर टीम को नकारा बताते हुए उन्हें बजट तक बनाना नहीं आता कह डाला। दरअसल नगर निगम गुरुग्राम में ये पहली बार हुआ जब 500 करोड़ के घाटे का बजट पेश किया गया हो, जिसको लेकर ना तो निगम अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब दे पा रहे थे और ना ही मेयर टीम। निगम पार्षद की माने तो अगर लापरवाही और बेपरवाही का यही आलम रहा तो आने वाले सालों में और बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। वहीं नगर निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह की माने तो आज बजट पेश किया गया है जिसमें बीते साल क्या खर्च किया गया और क्या इनकम की गई के सदन के पटल पर रखा गया है। वहीं स्ट्रीट वेंडिंग घोटालों पर नगर निगम कमिश्नर की माने तो जांच के आदेश दिए गए हैं, जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। वहीं बिना फाइनेंस कमेटी के गठन के घाटे का बजट कैसे तैयार कर गुरुग्राम की जनता को ठगा जा रहा है, इसका कोई माकूल जवाब ना तो अधिकारी ही दे पा रहे हैं और ना ही मेयर साहिबा। ये सबसे ज्यादा मैं इसमें सफर कर रहा हूँ, मेयर मेरा वार्ड बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, सेक्टर 14 खासतौर पर सफर कर रहा है। 20 जून 2016 को हमारा हाउस खत्म होता है, पहले MCG का जो हाउस था वो खत्म हुआ था। उसके बाद ये उससे पहले कभी ये पॉलिसी डिस्कस नहीं हुई हाउस में, या हाउस के माध्यम से कभी डिस्कस होनी, अचानक ये 3-4 महीने में पॉलिसी बनी और ये गुड़गांव में थोप दी गई। इसका क्या रीज़न था वो हमें आज तक पता नहीं चला। अब ये कहते हैं हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी है। स्ट्रीट वेंडिंग किसकी होती है? स्ट्रीट वेंडिंग होती है जो ऑलरेडी वहाँ बैठा होता। स्ट्रीट वेंडिंग में चाय वाला है, आपका फूल वाला है, आपका साइकिल रिपेयरिंग वाला है, या बीड़ी सिगरेट वाला जो खोखे वाला है, 3-4 चीज़ होती है जो फुटपाथ पर हर शहर में लगे हुए हैं। वो वेंडिंग जोन वाले होते हैं, वो तो आज भी एसटीच बैठे हुए हैं। ये लोगों ने एक तो भारी धंधा किया CPO साहब ने उस टाइम जो भी जिस लेवल पर लिया गया, इसमें क्या किया कि ये दुकानें बेच दी गई। वो इतना सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, MCG का, आम आदमी, इतना भारी नुकसान किया गया है। और आप ये दिए एक ही रेडी आप जाकर 10-10, 15-15 हज़ार रुपये किराया लेते हैं, वसूली करते हैं सरकार को, निगम में 500 देते हैं। उस निगम के रेंट से देखे जाए तो एक इनका अब तक 6 करोड़ करीब रेंट बनता, 6 करोड़ का 3 साल का, वो 3 साल का रेंट था। 1 सितंबर 2016 को लगाई गई, जबरदस्ती थोपी गई, हम उस दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो थोपी गई। और ये 31 अगस्त 2019 को से टेंडर खत्म हो गया। 3 साल में जो 6 करोड़ रुपया MCG पर रेंट आना चाहिए था वो रेंट नहीं आया, वो सीधा सीधा नुकसान है। 1000 रुपया ठेकेदार ने लिया था कि हम इस वेंडिंग जोन को पूरी मेंटेन रखें, सफाई करेंगे। आज आओ, इन्होंने मेंटेन तो गए बाहर में, उन लोग वहाँ जाकर देखे कितनी इंक्रोचमेंट वेंडिंग जोन और कर लिया है। दो चीज़ें, 1 सितंबर 2019 को जब इनका टेंडर खत्म हो गया, जब ठेकेदार को लेन देन नहीं रहा, ठेकेदार जब को लेन देन नहीं रहा तो 1500 रुपया पर रेडी वो वसूला गया। ये वो वसूला गया 1 सितंबर 2024 से लेकर 24 मार्च जब लॉकडाउन लगा, तब तक लगा लीजिए 7 महीने लगभग हो गए। उसके बाद 2-3 महीने जब नॉर्मल हुआ, उसके बाद फिर आज तक टाइम लगा लीजिएगा 14-15 महीने में 1500 रुपये पर रेडी, ये जो 1600 रेडी बता रहे हैं, 1650 रेडी के हिसाब से 1,98,00,000 के लगभग का वो चूना लग गया, सरकार को चूना लग गया, वो किसी जेब में गया। दूसरा, जब मैं इस केस को कंटिन्यू, पहले मैंने हाई कोर्ट में डाला, वेंडिंग जोन वाले विड्रॉ कर लिया, चलो जी वेंडिंग जोन के दे। उसके बाद ये हमारा डिविजनल कमिश्नर चला, डिविजनल कमिश्नर की पावर थी, उन्होंने इस पर स्टे दे दिया। इसके लिए हम चंडीगढ़ फाइनेंस कमेटी गए, हमारे जो CPO साहब है उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई राइटिंग में वो नहीं दिया है। जितने भी वेंडिंग जोन है वहाँ किसी को जेनुइन, मतलब ये लगा दें 90% वहाँ कोई जेनुइन नहीं है। CPO साहब ने टोटली इसमें इलीगल काम किया है। आपने जो आरोप लगाए थे आज वो नगर निगम कमिश्नर पर थे? नहीं, मेयर टीम इसमें मेरा आरोप नहीं था, लेकिन अगर मेयर टीम इसमें एक्शन नहीं लेगी तो कल को मैं मेयर टीम पर भी इस पर आरोप जरूर लगाऊंगा। क्योंकि जब ऑलरेडी पहले हमने इस पर सस्पेंड का ऑर्डर दे दिया 5-6 महीने पहले, ना उसको सस्पेंड किया, जब सस्पेंड हाउस में पास हो गया ना उसको सस्पेंड किया गया, ना उसको खिलाफ करेगी। मैंने आज सिर्फ आज पर्टिकुलर एक आदमी पर आरोप लगाया, वो है महेंद्र सिंह जो CPO थे इस पोस्ट पे, जिन्होंने इसका किया। अगर उनके खिलाफ CBI जांच नहीं हुई, और मैंने आज मेयर को बोला, अगर आज कमिश्नर पुलिस को MCG अधिकारी से जांच नहीं करानी, कमिश्नर पुलिस से या CBI से जांच, अगर जांच नहीं होगी तो मैं इसके खिलाफ धरने बैठे हूँ। क्योंकि मेरा सेक्टर 14 मेरा वार्ड
और भी अनेक वार्ड बर्बाद हुए। मेरा सेक्टर 14, मेरा वार्ड 6 बिल्कुल वेडिंग जो से बर्बाद हो गया। अगर आप देखेंगे पायल सिनेमा हॉल के सामने विशाल मेगा मार्ट ऐसे बिल्कुल जहाँ रोड चौड़ा हो रहा है वहाँ बीचों बीच वेंडिंग जोन बैठे हैं और बार बार कहने बाद कार्रवाई नहीं हो पा रही। और ये हाँ ये लोग कहते हैं जी ये लीगल लीगल कैसे हैं, लीगल वही बताया मैंने आपको, ये दो चार लोग थे वो तो अभी बैठे हैं फुटपाथ पे, ये टोटली कपड़ा जूती मंगा नहीं बेचा गया, बहुत बड़ा घपला, इस पर इंक्वायरी की जाएगी। बजट का मुद्दा सबसे बड़ा हमारा रहा जो कि हमें पास करना था, और हमारे हाउस ने बड़े आराम से बड़े अच्छे तरीके सब चीज़ देख के रिव्यू मीटिंग भी ली थी हुई थी हमारी, तो उसमें भी डिस्कस हो गया था, और आज भी हमारा सारा अच्छे तरीके से हमारे पार्षदों ने हमारे सभी हाउस पूरे हाउस ने पास कर दिया है। क्या है बजट की वैल्यू कितनी है? 4,100 करोड़ की है, 400 करोड़ की है, जो कि पिछली बार हमारा 2200 करोड़ का बजट था, अब की बार हमारा बजट 400,000 करोड़ का है। तो उसमें हमारा हमने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा हमने अपने काम किए हैं हर फील्ड में, चाहे वो हमारे टैक्स रिलेटेड हो, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो, तो उस तरीके से हमने सारे मुद्दे रखे हुए हैं, और हमारा सारा कमीशन साहब हमारा बता ही देंगे आपको डिटेल से। स्ट्रीट वेंडर्स का मुद्दा बैठक में उठाया गया है, क्या है मुद्दा एक बार बता दीजिए और क्या इसमें काम की करा जाएगा? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये हमारे प्रधानमंत्री की योजना थी जो कि हमने ये 2016 में जो लागू हुई थी, तो उसके बिहाफ पे जितनी रेड़ियाँ लगनी थी उससे कहीं ज़्यादा रेड़ियाँ लगी हुई हैं, जो कि पूरे शहर को थोड़ा सा गलत मैसेज भी जा रहा है, क्योंकि उससे गंदगी हो रही है हमारे शहर में, तो उसको रिलेटेड से हमारे पार्षद भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, पूरी मेरी टीम भी नाराज़ है। जितनी असाइन हुई थी आपने कहा उससे ज़्यादा दी गई, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा वो तो देखो जी अभी पता करेंगे, क्योंकि जो चल रहा है हमारा अधिकारियों के ऊपर, हमने अभी मांगा है, आज भी हमने यही कहा है कि पूरी डिटेल हमें दी जाए, तो उसमें पार्षद का भी जिस वार्ड से भी जो भी सर्वे होगा, जो भी देखभाली होगी, उसमें हमारे जिस वार्ड से भी होगा उस वार्ड का पार्षद उसके साथ अधिकारियों के साथ रह के ये कार्य करें। बजट पेश किया गया है, बजट पास भी हो गया है, क्या बजट धरातल पर ये असर करे उसके लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है? बिल्कुल जी, पूरी तरीके से की जा रही है, और आपने सुना भी होगा पूरा हाउस की मीटिंग में जिन जिन मुद्दों पे हमारा रेवेन्यू के ऊपर भी, वैसे भी हर चीज़ के ऊपर, हमारा जो टैक्स है, हमारे पानी का जो वेस्टेज हो रही है उसके ऊपर भी हम काबू करेंगे, और जहाँ जहाँ हमारे जगह सारी एक्रोच की हुई है उसको जगहों को हम कुछ बना के अपनी आमदनी बढ़ाने का जरिया बनाने के लिए आगे चल रहे हैं, कि गुरुग्राम की तरक्की के लिए हमारा ये बजट बहुत अच्छा रहेगा और सब मिलके काम करेंगे। नगर निगम की बैठक हुई है आज, काफ़ी अहम बैठक थी, कितने का बजट आज पेश किया गया नगर निगम के सदन की बैठक में? क्या देखो आज जो एक तो बजट की मीटिंग थी और दूसरा एक एजेंडे के पॉइंट भी कुछ लिए हुए थे। सबसे पहले मैं बजट के बारे में बताना चाहता हूँ, बजट जो हमारा लिया गया है इसमें इन्फ्लेटेड फिगर्स हैं सारी। हमारा जो साल गया है इसके अंदर 1100 करोड़ रुपए का खर्चा है, इनकम 600 करोड़ की है, हमारा जो डेफिसिट है लॉस है वो 500 करोड़ रुपए है। तो हमारे पास ये नहीं बता पा रहा निगम कि भी ये पैसे आएंगे कहाँ से 500 करोड़ रुपए। तो अगर हमारे पास 750 करोड़ की FD है तो वो FD 250 करोड़ की रह जाएगी, एंड नेक्स्ट ईयर भी इतना ही खर्चा रहा और इतनी इनकम रही तो हम 250 करोड़ तो नुकसान में चले जाएंगे, तो निगम तो एक साल के लिए ख़त्म हो जाएगा एक साल के लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि आप अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया आपने इन्फ्लेटेड बिल के ऊपर, इन्फ्लेटेड बजट के ऊपर, तो आगे आने वाले दिनों में निगम के लिए बहुत मुश्किल भरा दिन रहेगा। तो कितने का बजट पेश किया गया बजट में? देखो मैंने बताया भी इन्फ्लेटेड फिगर है, बजट है 4,900 करोड़ का, खर्चे हैं 2100 करोड़ के, ये दिखा रहे हैं जिस टाइम ड्यूटी आएगी 2000 करोड़ पे, टैक्स आएगा 1200 करोड़, 1200 करोड़ में से हर साल 200 करोड़ टैक्स आता है, स्टैम्प ड्यूटी सरकार दे नहीं पा रही है क्योंकि सरकार की अपनी हालत बहुत नाजुक है, तो इसलिए पैसे आएंगे नहीं, सिर्फ एक पेपरों में ही है ये बजट है, लेकिन ग्राउंड पे ये बजट नहीं है। यानी घाटे में जा रहा है नगर निगम? ना डेफिनेट, क्योंकि 1500 करोड़ से हम 250 करोड़ पे आ गए तो घाटे में तो जा ही रहा है। तो क्या कुछ पॉलिसियाँ हैं जिनके लिए जिम्मेदार है ये? जिम्मेदार है जो हमारी एक तो जो मेरी टीम है, एक फाइनेंस कमेटी नहीं कंस्टिट्यूट करती, जब भी ये मीटिंग हमारी होती है 4 महीने में, और फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हो जाती है 4-4, उसके अंदर री अप्रोप्रिएट बजट का कोई सिस्टम नहीं है इनका, इनको इसकी नॉलेज नहीं है कि कैसे बजट बनाया जाए। तो जब तक ये नहीं होगा तो जब तक ऐसे चलता रहेगा। 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया पार्षदों की तरफ से, क्या कुछ वो आरोप हैं और क्या समझते हैं कि मेरी टीम भी उसमें शामिल है, क्योंकि काफ़ी टाइम ये जो मांग थी या फिर ये जो आरोप थे ये लगते रहे हैं मीटिंग के? नहीं, ये तो वेंडिंग जोन के लगे हुए हैं, दूसरे चार्ज लगे हुए हैं, ये तो जब तक इंक्वायरी नहीं होगी ना ये तो सब
आरोप ही आरोप है। जब तक आप वेंडिंग जोन को डिक्लेयर, जितनी भी रेहड़ियाँ बनी उनको हटा जाए, तो बाद में पता चला कितना रेवेन्यू आता है कितना नहीं आएगा। ये सिर्फ आधारहीन आरोप है, जब तक आरोपों का फैक्ट देने पड़ते हैं आरोपों के साथ। एक आरटीआई लगाई गई थी नगर निगम से कि जो सीलिंग की गई है, उस सीलिंग के अंदर वसूली है या अवैध वसूली है, क्योंकि उसके अंदर ये साफ हो पाया था कि बीते 3 साल में 2200 लोगों को नोटिस दिए गए, 1100 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी लिखित शिकायत नगर निगम के कमिश्नर की तरफ से दी गई, नगर निगम विभाग की तरफ से, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। नहीं, वो देखो निगम का काम FIR दर्ज करना नहीं होता है, ये बार बार FIR दर्ज करके प्रेशर बनाते हैं वसूली करने के लिए, वो इनको निगम को करना नहीं चाहिए। अब ये अच्छा डिसीजन लिया पुलिस डिपार्टमेंट ने कि भी FIR दर्ज करना हमारा काम नहीं, आप इसके अगेंस्ट में लीगल कोर्ट में जाइए ना, जबकि आप निगम के पास बहुत बड़ा लीगल स्टाफ है, तो आप इनको कोर्ट में जाइए, चैलेंज करिए, रिकवरी करिए। ये थोड़ा कि हर एक चीज़ में FIR करोगे, रेजिडेंटों को हरास किया जाए, बहुत गलत है, और ये अच्छा डिसीजन है पुलिस का। समझते हैं कि वसूली कर रहा था नगर निगम? नेचुरली कर रहा होगा, जब इस तरह के FIR करते हैं उसके बाद एक्शन नहीं होता, तो वसूली तो हो ही रही है। देखिए, आज यहाँ नगर निगम गुरुग्राम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम मीटिंग हुई, जिसमें बजट भी सदन ने सर्वसम्मति से पास किया है। बजट एक अच्छा डिस्कस्ड बजट था, जिसमें सभी पार्षदों ने लगभग एक सप्ताह पहले भी एक चर्चा के लिए विशेष रूप से मीटिंग हमने बुलाई थी, और उनके जो सुझाव थे उनको भी हमने इसमें शामिल किया, और उसके बाद भी आज भी एक अच्छी चर्चा और सुझाव के रूप में हमें बजट के चर्चा के दौरान प्राप्त हुए कई पार्षदों के, और हमारा ये बजट आज सर्वसम्मति से हमने पास किया है, जो आने वाले वित्त वर्ष में हमें मार्गदर्शन करेगा। जो FDI का मुद्दा है, उससे कहीं ना कहीं कुछ पार्षद जो हैं वो नाखुश नजर आए। किसका? जो FDI का मुद्दा था, और कहीं ना कहीं जो रेडी को लेकर भी मुद्दा उठाया जा रहा था, स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर कहीं ना कहीं एक हंगामा देखने को मिला सदन की बैठक में, स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर क्या कुछ ये पूरी प्रक्रिया थी और कैसे इसमें भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है? देखिए, ये विषय 2 बार सदन से की बैठक में आया और कई सम्मानित पार्षदों ने इसको उठाया था, इसीलिए सदन के पिछले जो हमारे कुछ इश्यूज पेंडिंग रह गए थे उसमें हमने इसको दोबारा चर्चा में लिया, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है और उसमें संबंधित अधिकारियों ने कुछ रिपोर्ट्स अपनी दी हैं, परंतु फिर भी उसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। उस वजह से पार्षदों ने के आग्रह पर हमने कुछ समय उन कंसर्न अधिकारियों को दिया है, ताकि वो अपनी जो कमियाँ रह गई हैं उनको पूर्ण करें, और जो सर्वे के अनुसार इस तरह की रेहड़ियाँ लगी हुई हैं जो सर्वे के अनुसार नहीं है या किसी परमिशन के अनुसार नहीं है, उनको हटाने के आदेश दिए और एक समयबद्ध तरीके से इसका क्रियान्वयन करके सदन के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश है। कितने करोड़ का सर बजट रहा है और किन मुख्य बिंदुओं पर इस बजट में जिक्र किया गया है? देखिए, इसमें हमारे जो अगर हम रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें तो लगभग हमारा 4900 करोड़ का टोटल रेवेन्यू एस्टिमेटेड रिसीट्स है, जिसमें हमारे सभी हेड्स आते हैं, स्टैम्प ड्यूटी से लेकर प्रॉपर्टी टैक्स या जहाँ जहाँ हमारे रेवेन्यू के सोर्सेज हैं उन सबको शामिल करके, और लगभग हमारा इसमें 2500 करोड़ का हमारा इसमें एस्टिमेट है एक्सपेंडिचर का, जो हमारे विभिन्न विकास कार्यों पे आने वाले वित्त वर्ष में करेंगे। निगम अपनी आय बढ़ाए उसके लिए क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? आज ये काफ़ी विस्तृत रूप से इस पर भी हमने चर्चा की कि आगे निगम अपनी आय बढ़ाए, और मैंने भी सदन के सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए, जिसमें हमारे प्रॉपर्टी टैक्स की फिगर जो लास्ट वर्ष की अगर हम फिगर से देखें तो लगभग 70 करोड़ एक्सेस कलेक्शन है अभी फिलहाल, ऐसा ही पानी का कलेक्शन भी 3 गुना है पिछले साल के, और इस तरह के कई सारे आंकड़े हैं वो भी रखे हैं, परंतु इसमें अभी भी नगर निगम की तरफ से काफ़ी सुझाव थे कि इसको और बढ़ाया जाए, जिसमें चाहे हमारे बिल्डिंग के बिल्डिंग प्लान्स संबंधित फीस हो, टावर संबंधित फीस हो, प्रॉपर्टी टैक्स के कलेक्शन को और बेहतर करने से संबंधित फी लेने वाले कदम हो, उस सभी कदमों पे और उन सभी स्ट्रेटजीज़ पे आज डिस्कशन हुआ, और मुझे आशा है कि जिस मोमेंटम के साथ नगर निगम चल रहा है, जिसमें हमने पिछले साल से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया है और बढ़ोतरी पे हैं, उस मोमेंटम को हम जारी रख पाएंगे। सर, गुरुग्राम में मीट की दुकानों का भी मुद्दा उठा, अब मीट के लाइसेंस लेने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया होगी और साथ ही किन एरियों में अब मीट की दुकानें होंगी? देखिए, मीट की लाइसेंस देने की प्रक्रिया राज्य सरकार के एक नोटिफिकेशन के द्वारा ऑलरेडी जारी थी, परंतु उसमें कुछ कमियां थी, जिसमें कुछ इस तरह के क्षेत्रों में, रिहायशी क्षेत्रों में खोली हुई या जो बिना लाइसेंस के खोली हुई उन पर एनफोर्समेंट से संबंधित विषय के बारे में, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई, और इसमें निर्णय जो सदन ने सर्वसम्मति से लिया है कि जो हमारा लाइसेंसिंग फीस है उसको बढ़ाया जाए, 5000 रुपये है अभी फ़िलहाल, उसको 10000 किया जाए, जो इलीगल शॉप्स हैं उन पे एनफोर्समेंट की जाए, सख्ताई की जाए, और उन पे जो पेनल्टी के अमाउंट 500 रुपये मात्र था,
उसको सख्ताई करते हुए उसको 5,000 रुपये करने की अनुमति हमें सदन से मिली है। और मुझे आशा है कि जो हमारे संबंधित हेल्थ विभाग के अधिकारी हैं नगर निगम के हेल्थ ब्रांच के, वो इन सभी लिए हुए निर्णयों को क्रियान्वित करते हुए जो पेंडिंग लाइसेंसेज हैं उनको तुरंत निकालें, ताकि एक वैध रूप से मीट की जो बिक्री है इतने बड़े शहर में हो पाए, और जो इस तरह के इलीगल हैं उनको, या अगर वो रेगुलराइज होने लायक हैं तो उनको रेगुलराइज करें, अन्यथा उनको सील करें। सर, पेनल्टी के अलावा क्या एफआईआर की प्रोसीडिंग का भी इनिशिएट किया जाएगा? देखिए, अभी फिलहाल जो निर्णय हुआ उसमें पेनल्टी बढ़ाई गई है, 10 गुना की गई है, 500 से बढ़ाकर। लाइसेंस फीस को भी दुगना किया गया है, 5 से 10 हज़ार करके। और ये निर्णय लिया है कि जिसमें दो बार डिफॉल्ट कर चुका है जो व्यक्ति, तीसरी बार उसके साथ फाइन लगाते लगाते उसकी दुकान भी सील की जाए, और अगर वो सील तोड़ देता है तो उस पर एफआईआर की जाए। एक लास्ट सवाल है कि गुरुग्राम सदन की बैठक में एक इन्फोर्समेंट विंग पर भी सवाल खड़े हुए हैं, ऐसे में सभी पार्षदों ने कहा है कि आर एस भाट को जिम्मेदारी दी जाए, तो क्या कुछ आपकी तरफ से राय ली गई और क्या कुछ आगे की प्रक्रिया होगी? देखिए, मैं तो उस अधिकारी को बधाई देता हूँ जिसके बारे में सभी पार्षदों का एक पॉजिटिव रवैया रहा है, और बाकी अधिकारियों से भी ये आशा करूँगा कि वो भी उस तरह की अपनी कार्यशैली बनाएं कि लोग उनकी भी चर्चाएं करें पॉजिटिव तरीके से। यकीनन एनफोर्समेंट में काम करने की बहुत स्कोप है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चारों जोन्स के जो जॉइंट कमिश्नर्स हैं उनको पूर्ण रूप से उसमें सभी पावर्स दी गई हैं, उनके साथ एनफोर्समेंट का स्टाफ भी पूर्ण रूप से दिया हुआ है, साथ साथ उनके एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए भी DTP एनफोर्समेंट जिनका जिक्र आपने किया उन ऑफिसर को भी इन चारों जोन्स में एनफोर्समेंट अधिकारी का चार्ज हमने देने का निर्णय किया है। धन्यवाद सर। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।